I hope you're doing good. Today I'll be doing a facial video for you all guys. और जो facial मैं करने वाली हूँ वो होगा biotic का, और biotic में भी special बात ये होगी कि मैं आज gold facial करके दिखाने वाली हूँ. Now I have already done few facial videos मेरे channel पे जो कि काफ़ी पसंद किए जाते हैं आप लोगों से. मैंने VLCC gold, VLCC insta glow और biotic का pearl white facial already किए हैं. I have done ऐसे 4-5 videos facial के ऊपर, तो आप check कर सकते हो. और आज जो मैं facial के बारे में बात कर रही हूँ वो है ये बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा गोल्ड फेशियल किट. अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा बायोटिक के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उसमें आपको पता होगा मुझे कुछ 4 से 5 फेशियल्स मिले थे बायोटिक का, और मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 by 1 उसका वीडियो करूंगी. तो आज मैं इसका करने वाली हूँ क्योंकि दिवाली एकदम पास है और मैं चाहती हूँ कि दिवाली में वो ग्लो हमको हमारे फेस के ऊपर मिले, इसलिए मैं ये वाला करने वाली हूँ. इससे बहुत ही अच्छा फेस पे एकदम गोल्डन ग्लो वाला, गोल्डन कलर वाला ग्लो आएगा हमारे फेस के ऊपर, क्योंकि है गोल्ड वाला. इसके बाकी वेरिएंट्स भी है जो कि है पर्ल, डायमंड, वो सब भी है और सिल्वर भी है, बट मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो चैनल पे पर्ल का कर लिया है, तो आगे जो होंगे वो बाकी के 3 होंगे. तो गाइज अगर आप चाहते हो कि इसका वीडियो देखना कि इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे आपको करना है फेशियल, तो बने रहिए इस वीडियो पे. तो गाइस सबसे खास बात मैं इसकी ये बता दूं कि ये जो किट है ये मुझे मिल रही है 235 रुपीज़ की मुझे मिल रही है, और ये आप आराम से 2 बार यूज़ कर सकते हो. 2 बार आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है. और खास बात इस किट में ये है कि आपको इसके साथ मिल रहा है एक इंस्टा ग्लो गोल्ड फेशियल ब्लीच, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. एक 6.6 ग्राम का आपको ब्लीच अंदर मिल रहा है, तो आप फेशियल करने से पहले ब्लीच कर सकते हो, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ब्लीच कैसे करना है और फेशियल भी कैसे करना है. और इसके अलावा ये जो डब्बा है ये आपको 235 रुपीज़ का मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया. और इसमें जब आप ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे, जो कि सबसे पहला है हमारा ये ब्लीच, जो कि ब्लीच इसमें बोला गया है जो मिल रहा है. और जो बाकी है वो है ये फेशियल के पाउचेस, तो 2 बार आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो. ये टोटल 5 स्टेप का है. जो फर्स्ट स्टेप है इसमें है स्क्रब, सेकेंड है मास्क, जेल और फिर क्रीम, और जो सबसे आखिरी में है वो है सेरम. तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है. और इसमें लिखा हुआ है कि बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा गोल्ड फेशियल किट फॉर ल्यूमिनस एंड रेडियंट कॉम्प्लेक्शन, कंप्लीट 5 स्टेप फेशियल सिस्टम. तो ये आपके स्किन को ल्यूमिनस और रेडिएंट बनाएगा. और चलिए देखेंगे कि ये हमारे स्किन पे कैसे इफेक्ट करता है. तो यस गाइस चलिए हम बढ़ते हैं आगे हमारे फेशियल के तरफ और ब्लीच के तरफ. तो सबसे पहले हम ब्लीच करेंगे. ब्लीच को मैंने ले लिया है एक ग्लास बाउल में, और इसकी खास बात ये लगी ब्लीच की कि इसमें जो एक्टिवेटर आया है वो बाकी एक्टिवेटर्स की तरह पूरा फुल भर के नहीं आया था. जितना आपको ज़रूरी है उतना ही एक्टिवेटर इसमें था, तो वो मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है. और ये मैं अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ. मैं इसे कुछ 15 मिनट्स तक रहने दूंगी और फिर उसके बाद इसे गीले कपड़े से अपने फेस को वाइप ऑफ कर लूँगी. तो इस तरीके से आपको लगाना है और 15 मिनट्स के लिए रखना है. डिपेंड्स ऑन योर स्किन टोन. मुझे थोड़ी सी इचिंग हुई थी जहाँ पे मैं आपको अभी टच करके दिखा रही हूँ, थोड़ी सी वहाँ पे इचिंग हुई थी, बट इट वॉज बेरेबल. और बस मैंने वाइप कर लिया. और ये हाँ, मुझे आईज़ में भी काफ़ी बर्निंग हो रही थी इससे. मुझे ऑक्सी ब्लीच से इतनी नहीं होती जितनी इससे थोड़ी हो रही थी, तो बी केयरफुल अबाउट दैट. तो ब्लीच करने के बाद हम चलेंगे हमारे मेन फेशियल पे. और फेशियल में टोटल 5 स्टेप है जैसे कि मैंने आपको बताया. तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा स्क्रब. तो ये है गोल्ड स्क्रब. तो द स्क्रब एनरिच्ड विद गोल्ड भस्मा एंड मार्गोसा हेल्प्स एक्सफोलिएट द स्किन एंड रिमूव ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स. इट प्रोवाइड्स डीप पोर क्लेंजिंग एंड कंसील्स इम्परफेक्शंस लीविंग बिहाइंड अ स्मूथ रेडियंट लुकिंग स्किन. आपको इसको टोटल 5 मिनट्स के लिए अच्छे से अपने फेस को स्क्रब करना है. इसमें है नीम लीफ, भस्मा, केतकी सीड्स, मुलेठी रूट, यावा फ्रूट, बीज वैक्स एंड प्योरीफाइड वाटर. तो मुलेठी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है हमारी स्किन को लाइटनिंग करने के लिए. और बस आप अपने फेस को कुछ इस तरीके से मोशंस में फिंगर मोशंस अपने करिए और अपने फेस को स्क्रब कीजिए. ज़्यादा डिटेलिंग मत कीजिए, बस 5 मिनट्स स्क्रब कीजिए, क्योंकि हम आगे भी अपने फेशियल में कंटिन्यू करेंगे और भी स्टेप्स. तो बस आप स्क्रब करके इसे नॉर्मल वाटर से वॉश ऑफ कर लीजिए या फिर मेरी तरह गीले टॉवल से अपने फेस को वाइप ऑफ कर लीजिए. स्क्रबिंग करने के बाद मुझे काफ़ी फ्रेश लग रहा था, मेरा फेस काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. इनफैक्ट
फेस ड्राई अप करने के बाद वाइप ऑफ कर लीजिए अच्छी तरीके से। और फिर जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा गोल्ड पील ऑफ मास्क। इसको आप अपने पूरे मास्क को लगाइए, इस पील ऑफ मास्क को। दिस पील ऑफ मास्क इज एनरिच्ड विद द गुडनेस ऑफ गोल्ड एंड भस्मा, लेमन पील एंड वाइटामिन ई। हेल्प्स द स्किन टू बिकम रिंकल फ्री एंड यूथफुल। इट मेंटेन्स द स्किन पीएच बैलेंस that gives out environmental pollutants, keeping the skin soft and supple. तो इसको dry होने दीजिए कुछ 10 minutes और उसके बाद आपको इसको remove करना है, peel off करना है। peel off करने के बाद आप देखोगे कि आपकी skin बहुत अच्छी लगना start हो जाती है, एकदम clean and clear। और बस peel off करने के बाद हम move on करेंगे हमारे third step पे, जो कि होगा gold gel। तो ये जो जेल है इससे आपको बस अपना फेस के ऊपर मसाज करना है। ये ट्रांसपेरेंट जेल है, तो जेल को आप अपने फेस पे ले लीजिए, थोड़ा सा वाटर लीजिए और फिर मसाज करना स्टार्ट कीजिए सर्कुलर मोशन में। दिस मॉइस्चराइजिंग जेल एनरिच्ड विद गोल्ड भस्मा एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट हेल्प्स फाइट अगेंस्ट प्री मेच्योर एजिंग, ऑल्सो हेल्प्स इन स्किन रिजुविनेशन। It revitalizes the complexion by providing intense moisturization and nourishment. तो इसमें है हरिद्रा और केतकी सीड्स, मुलेठी रूट्स, यावा फ्रूट, गोल्ड भस्मा, कार्बोमर एंड प्योरीफाइड वाटर। तो बस इसे आप अपने फेस पे मसाज कर लीजिए जेल को। जेल काफ़ी स्मूथ लग रहा था, अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। तो मैंने इसमें बहुत डिटेलिंग स्टेप नहीं दिखाए हैं आपको, क्योंकि बेसिकली सबको पता ही होता है कि फेशियल कैसे स्टेप्स लेते हैं। और डिटेल में देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हो, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा कट शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। जेल लगाने के बाद वाइप ऑफ कर लीजिए। तो वाइप ऑफ करने के बाद हम जाएंगे हमारे फोर्थ स्टेप पे, जो कि होगा क्रीम मसाज। हमें ये स्टेप जो है ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा समय तक करना चाहिए। और ये है गोल्ड क्रीम, और इसे आप अपने फेस पे लगाने के बाद मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए, बीच बीच में पानी लेते रहिए। तो दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम एनरिच्ड विद गोल्ड भस्मा, वाइटामिन सी एंड ई, इल्यूमिनेट्स द कॉम्प्लेक्शन बाय पॉलिशिंग द स्किन एंड हेल्प्स रिड्यूस द स्किन पिगमेंटेशन। द गुडनेस ऑफ एलमंड ऑयल एंड गोल्ड हेल्प्स इन डीप हाइड्रेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द स्किन, गिविंग इट अ यूथफुल ग्लो विद इम्प्रूविंग द स्किन स्मूथनेस एंड इलास्टिसिटी। तो ये क्रीम से अगर आप मसाज करोगे तो आपके स्किन में काफ़ी स्मूथनेस आएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंक्रीज होगा, प्लस आपके जो स्किन में है वो उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो इम्प्रूव होगा, मतलब आपके फेस पे एक रेडिएंट ग्लो आएगा यू कैन से। तो बस मसाज कीजिए अपने फेस पे कुछ अच्छी तरीके से 5 to 10 minutes। आई वुड से दैट आप 7 minutes तक मसाज कीजिए अपने फेस पे, एक एक जो स्टेप है उसे रिपीट कीजिए। और बस अपना मसाज होने के बाद आप इसे अपने नॉर्मल वाटर से, प्लेन वाटर से आप वॉश कर सकते हो अपने फेस को, या फिर आप मेरी तरह गीले टॉवल से अपने फेस को वाइप ऑफ कर सकते हैं। तो स्टेप्स होने के बाद आप अपने फेस को वाइप ऑफ कर लीजिए। मैंने अपने फेस को वाइप ऑफ कर लिया है और फिर उसके बाद मैंने वॉश कर लिया था अपने फेस को और उसे फिर पैट ड्राई कर लिया एक क्लीन टॉवल से। क्लीन टॉवल के मतलब पैट ड्राई करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारे लास्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा फिफ्थ स्टेप। और ये जो स्टेप है इसमें हम लगाएंगे सेरम, जो कि है गोल्ड सेरम। इसे बस अपने फेस पे लगाना है नॉर्मल क्रीम की तरह। दिस लाइटनिंग सेरम इज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर डैंडेलियन रिच इन विटामिन ई एंड मिनरल्स, ब्लेंडेड विद नटमेग ऑयल यूज्ड रेगुलरली। इट हेल्प्स ब्राइटन स्किन, फेड डार्क स्पॉट्स एंड ईज अवे रिंकल्स फॉर अ फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन। तो ये था मेरा फेशियल जो कि कंप्लीट हो गया। और एक और चीज़ मैं आपको बताना है कि लोग मुझे पूछते हैं कि इसे कैसे स्टोर करना है सेकंड टाइम के लिए। तो बस आप इसको ले लीजिए, आपको ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ स्टेशनरी शॉप में इजीली मिल जाएगी। बस इसे क्लिप कर दीजिए और डब्बे में डाल के आप फ्रिज में रख दीजिए, सेकेंड टाइम आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा कि फेशियल करने के बाद काफ़ी अच्छा ग्लो आया मेरे फेस के ऊपर और काफ़ी अच्छा लग रहा था फेस। वाली स्पेशल अगर अपने फेस को कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये वाला फेशियल कर सकते हो और ग्लो कर सकते हो। तो यस, फेशियल ज़रूर करिए। आई लाइक टू डू फेशियल्स एट होम, सैलून में भी जाके आई डू, बट ऐसे 15 days में एक बार अगर मेरे को मन हो रहा है करने का तो आई डू इट एट होम ओनली, जस्ट टू क्लियर आउट माई स्किन एंड फेस, और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। तो अगर आप घर पर ही फेशियल करते हो तो आप इसको ट्राई
ट्राई कर सकते हो, और अगर आप इसको ट्राई करते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। और भी कोई फेशियल वीडियो आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिख सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो जो नोटिफिकेशन बटन है ना उसको भी क्लिक कर देना, सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो। और उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स के हैंडल्स में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यस गाइस, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, गुड लक। लव है ना, जो ऐसा लव यू ऑल जो बोलती हूँ ना, ये लव ना प्रॉपर नहीं बन पाता है। Bye.